हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल जागो शांति रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याज की पकौड़े। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आइए इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कुरकुरे प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 प्याज, जिसे मैंने छील लिया है। इसके ऊपर और नीचे के भाग को काट लेते हैं। अब इस प्याज को बीचों बीच से काट लेंगे। अब इसको लंबे और पतले आकार में भी काट लेंगे। सभी प्याज को काटने के बाद हाथों से मैच करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सभी प्याज अलग हो जाएंगे। सभी प्याज को मैच करने के बाद हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स करेंगे कि सभी प्याज के साथ मसाले चिपक जाएं। पकौड़े बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो है बेसन। इसलिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन। थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिश्रण में डालकर मिश्रण को अच्छे से मिक्स करते जाएं। ये देखिए, बेसन अच्छे से मिश्रण में मिक्स हो गया है। हमें इसे हाथों से प्रेस करके प्याज वाले पकौड़े का शेप देना है। जब इस तरह से चिपकने लगे, समझ लीजिए हमारे मिशन परफेक्ट है। आइए अब हम चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल। हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर हाथों में अच्छे से मिला लेंगे। एक छोटे से मिश्रण को हम तेल में डालेंगे। ये देखिए, जब ऊपर तैरने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे तेल गर्म है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम पकौड़े का शेप देकर एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसे पलट लेंगे। जब एक तरफ से ये पक जाए तो दूसरे तरफ से भी पलट कर हम पकने देंगे। मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट में हमारे पकौड़े तल के तैयार है। अब हम इस पकौड़े को निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के बचे हुए पकौड़े को बना करके तैयार करेंगे। उसी तरीके से मैंने सभी पकौड़े को बना करके तैयार कर लिया है। इसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरे अंदर तक पक चुकी है। दोस्तों, ये बहुत क्रिस्पी होती है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगती है। आप नाश्ते में या चाय के साथ इसे बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।